असलम डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई होप यू आर एल वेल डियर डियर स्टूडेंट्स ओपन अप योर बुक एट पेज नंबर सेवेंटी वन सो टूडे वी हैवर सेकेंड लास्ट टॉपिक दैट इज़ डेज़ ऑफ द वीक ओके डेज ऑफ द वीक क्या होता है डेज़ होते हैं दिन वीक होता है हफ्ता हफ़्ते के दिनों के नाम ओके हफ्ते में कितने दिन होते हैं अ वीक हैज़ सेवन डेज एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं सेवन डेज ठीक है आपने ये नाम सुने होंगे संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ये कितने डेज होते हैं एक वीक में सेवन डेज अ वीक हैज सेवन डेज कौन कौन से होते हैं स्टार्ट हम करते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है ये आपको ओरल ऐसे ही लर्न करने हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वीक में कितने डेज होते हैं सेवन डेज ठीक है एक हफ्ते में सेवन डेज होते हैं अब हमें आगे दिया है थिंक एंड राइट हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक अब यही क्वेश्चन हमें पूछा है एक वीक में कितने डेज होते हैं तो कितने होते हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा सेवन डेज तो हम यहाँ क्या लिखेंगे seven, आगे लिखना ठीक है है व्हाट इज दूडे आज कौन सा दिन है तो आज जो ये क्लास में रिकॉर्ड कर रही हूं आज है फ्राइडे तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है फ्राइडे तो ये है फ्राइडे के स्पेलिंग ओके नेक्स्ट है विच डे कम आफ्टर ट्यूज़डे ट्यूज़डे के आफ्टर होता है बाद में हमने पढ़ा था ना बिफोर आफ्टर आफ्ट होता है बाद में ट्यूज़डे के बाद कौन सा दिन आता है तो ये है ट्यूज़े और इसके बाद कौन सा दिन आता है वैडनसडे तो यहाँ पर आपने लिखना है वैडनसडे ओके इस तरह से आपने ये करना है तो हमने आज क्या पढ़ा डेज़ ऑफ द वीक डेज़ ऑफ द वीक वीक है सेवन डेज एक वीक में कितने डेज होते हैं सेवन डेज होते हैं कौन कौन से संडे मंडे ट्यूजडे वेटनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ओके तो आपने ये अच्छी तरह से लर्न करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है ओके सो दिस इज नाट फॉर टुडे थैंक यू अल्लाह हाफ़